हिमाचल में गर्मी का सितम जारी है। पिछले 24 घंटे में बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, मंडी, शिमला, कांगड़ा, सिरमौर और ऊना जिलों में भीषण गर्मी का प्रकोप रहा है। प्रदेश में सामान्य न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर है और अधिकतम तापमान सामान्य से काफ़ी ऊपर रहे हैं। 27 मई को ऊना का सबसे अधिक अधिकतम तापमान 44.0 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं आज कुकुमसेरी का सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। हिमाचल में पिछले 24 घंटे में मौसम शुष्क रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की 28 मई की अपडेट की बात करें तो 30 मई तक लू चलने की संभावना है। 30 मई को एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की उम्मीद है। इसके चलते 30 और 31 मई को मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में एक दो स्थानों पर बारिश की संभावना है, साथ ही गरज के साथ बिजली गिर सकती है। 1 जून को पूरे हिमाचल में मौसम बिगड़ सकता है। एक दो स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने का अनुमान है। 2 जून को मध्य पर्वतीय और उच्च पर्वतीय व 3 जून को उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम खराब रह सकता है। इस दौरान मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। अगर मौसम विज्ञान केंद्र की बात करें तो मैदानी क्षेत्र के लोगों को 1 जून को ही राहत की उम्मीद है। बाकी 28 मई से 3 जून तक मौसम साफ रहने का अनुमान है। ऐसे में गर्मी कहर बरपाएगी। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में 30 मई से 2 जून और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 29 मई से 3 जून तक राहत की उम्मीद है। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।